हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। और अभी मैं मार्केट आ गई हूँ करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। ऐसे शॉपिंग करने में बहुत दिन के बाद आई हूँ बाहर। और ये मैं जो चुनरी नहीं होता है फ्रेंड्स, दुल्हन लोग का पीछे वाला, वही लेने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी हैवी है और इसलिए मैं उसे कैरी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं हल्का लेने आई थी और मुझे मिल भी गया था। और ये काउंटर पे ये ग्रीन कलर की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर इसका प्राइस बहुत हाई था, 3300 का था ये। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। बस मैंने ऐसे ही देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा ले लिया। और यहाँ पर जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये साड़ी कितनी प्यारी है। मैंने बोला भैया से कि भैया आप इस साड़ी को खोल के एक बार दिखाइए। ये बंधेज साड़ी है इसलिए इतनी कॉस्टली है ये, और बहुत ही खूबसूरत था। इसका एक कलर बाहर लगा हुआ था, रेड कलर का था। ये हमारे मार्केट का ही जो दुकान है, बहुत अच्छा यहाँ पे साड़ी का कलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ मिल जाता है आपको। तो मैं यहीं से साड़ी वगैरह लेना होता है ना, तो मैं यहीं पे आके साड़ी वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं कैमरा थोड़ा सा शूट कर रही थी ना, तो भैया बोल रहे थे कि ये क्या कर रही हो आप। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब पे अपना ब्लॉग डालती हूँ, तो आप उसे देखा करिए, आपका दुकान भी आएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो मैं वही सब्सक्राइब कर रही थी। आज 1 सब्सक्राइब मैंने गेन किया और इतना खुशी नहीं हुआ फ्रेंड्स, जितना कि 1000 से ज़्यादा होने पर होता। ये तो मैंने 1 किया, उतनी खुशी नहीं थी, बट मैंने कर लिया कि चलो 1 ही सही। तो यहाँ पे देखिए, वो दिखा रहे थे कि यही है ना, फिर जो काउंटर पे भैया बैठे थे उन्हीं का ये दुकान है, तो वो बोल रहे थे कि मैं देखूँगा। और इनकी जो दुकान है बहुत अच्छी दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है। हम साड़ी वगैरह यहीं लेने आते हैं, जो ऑनलाइन मिलता है वो भी यहाँ पर मिल जाता है आपको। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत हर समय पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ यहाँ पे लग जाती हैं हर समय। जैसे कि करवा चौथ पे उस टाइप की लगती हैं, दिवाली पे उस टाइप की, तीज पे उस टाइप की। तो ये भैया थे, वो बातें कर रहे थे। और फिर उनके बगल में एक बर्तन का दुकान था ना, तो मैं वहाँ पे चली आई थी। और ये स्टैंड में काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये ऑर्गेनाइज़र लेने के लिए किचन में, बट मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि मार्केट आ ही नहीं पा रही थी। और ऑनलाइन इसका प्राइस फ्रेंड्स 550 के लगभग है, और यहाँ पे 350 में ही मुझे मिल गया, 325 रुपये का। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जो करवा वगैरह है, मैंने सोचा कि मार्केट आई हूँ तो सारे शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर बार बार तो आ नहीं पाऊँगी। तो अभी मैं वही चलनी देख रही थी कि जो थोड़े से डेकोरेट कर दिए थे चलनी ना, इतनी महंगाई बढ़ गई है फ्रेंड्स की 10-5 रुपये का तो कोई मोल ही नहीं है। और 60-70 रुपये की सिर्फ एक चलनी मिल रही थी, तो मैं सादा वाली चलनी मैंने लिया क्योंकि मैं उसे डेकोरेट कर लूँगी। और ये एक करवा माता का मैंने तस्वीर लिया है, क्योंकि इनका हम रखते नहीं हैं, सिरवा देते हैं इनकी तस्वीर। तो सिर्फ मैं कैलेंडर ले रही हूँ, कोई मैंने ज़्यादा मतलब पैसे खर्चे नहीं किए इस पर, क्योंकि इन्हें फिर साल भर के लिए मुझे रख देना रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर्स इसे मैं पानी में तालाब वगैरह में जाती हूँ सिरवा देती हूँ। तो यही थी करवा चौथ की आज की शॉपिंग, मैंने यही सब कुछ लिया और करवा वगैरह ले लिया, जो कुछ कहाँ का कुछ होता है वो भी मैंने ले लिया। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की मेरी शॉपिंग। फिर मैं घर पे आ गई थी तो क्षमा ने सबको खाना खिला दिया, और मैं बर्तन धुल लेती हूँ कि थोड़े से बर्तन थे तो मैंने उसे वाश कर लिया। और छवि भी खाना खा रही है। घर की हालत आप देख सकते हो कि घर की क्या हालत हुई है इस समय, काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। फिर मैं सबको खाना खिलाने के बाद खुद मैंने खाना खा लिया, और ये मैं मेहंदी लगाने आ गई। तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो समझ में आया मैंने वही लगा लिया। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। अभी तबीयत जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, और अभी मैं मेडिसिन ले रही हूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर रही हूँ। क्षमा आई है, वो हेल्प कर रही है मेरी। तो मैंने सोचा कि व्रत तो मुझे रहना ही है करवा चौथ का, और मैंने कुछ शॉपिंग की है वही आप लोग के साथ जा रही थी शेयर करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी साड़ी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
और ये साड़ी जो है ना, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन नहीं शॉपिंग की है, मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज किया। ये बहुत खूबसूरत है और बनारसी पैटर्न पे है। इसका आप कपड़ा देख सकते हो कितना लाइट है, ये देखिए। और बिल्कुल ये जो है ना, ये चुभेगा नहीं, वैसा कपड़ा नहीं है कि जो अंदर से कढ़ाई होने के बाद से जो इसके तार होते हैं जरी के, वो चुभे, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, मैं इसे खोल नहीं रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा फोल्ड करने में। मैं पहनूंगी तो आप फाइनल लुक देख लीजिएगा कि साड़ी कैसी लग रही है। और मैंने ब्लाउज भी इसका स्टिच करा लिया, तो दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लाउज भी इसका स्टिच करा लिया है, सिंपल कराई हूँ, कोई भी डिज़ाइन नहीं है। ये देखिए बैक से, बस इसके आस्तीन पे, ये देखिए मैंने, छोड़ दो छवि, आवाज़ आ रही है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। मैंने इसके देखिए आस्तीन पे सिर्फ फ्रिल बनवाया है, बिल्कुल बाजू में, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और कोई भी मैंने कुछ भी नहीं किया है। और डोरी जो है उन्होंने ही लगा दिया था अपनी तरफ से, तो मैंने बोला नहीं था। ये देखिए ब्लाउज हो गया। और अभी मैं मार्केट गई थी, तो जैसे कि मेरे पास पीछे वाली चुनरी जो दुल्हन लोग की होती है ना, वो है, पर वो बहुत हैवी है, मैं उसे कैरी नहीं कर पाती हूँ, फास्ट रखती हूँ ना, और उससे मुझे बहुत मतलब गर्मी होती है हैवी होने की वजह से। तो आज मैं ये लेके आई हूँ, और ये भी मैं मार्केट से ही ली हूँ, ऑनलाइन नहीं मंगाई हूँ। बहुत खूबसूरत था, ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। और इसका प्राइस है, ये मुझे 350 में मिला है, और इसका बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका बॉर्डर है, ये देखिए। और सारे साइड में नहीं फ्रेंड्स, जो हम अपने माथे पे पल्ला रखेंगे ना, उसमें देखिए ये लटकन दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से, एक साइड में बस जहाँ जो हम माथे पे रखेंगे, ये कुछ इस तरीके से एक साइड में बस जहाँ जो हम माथे पे रखेंगे। एक मिनट मैं आपको ओढ़ के दिखाती हूँ इसे, और बस इसमें ही दिया हुआ, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए आप इसे, ये देखिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत कुछ दिखाया था, पर मुझे ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कोई हाई हैवी वर्क भी नहीं था और लाइट वर्क है, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं मतलब व्रत रहने पर आप समझ ही सकते हैं, निर्जला व्रत में आप जितना लाइट कपड़ा पहने उतना ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसे पसंद किया। और ये देखिए, तो अभी फ्रेंड देखिए मैंने चूड़ियाँ, मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि तबियत खराब होने की वजह से मैं कहीं भी नहीं गई। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो कोन मेहंदी लिया कावेरी का, और इसे मैं अभी अपने हाथों पे लगाऊंगी। और ये छवि के लिए हेयरबैंड लिया है, छवि खुश हो गई, ये देखिए। छवि बोले थी मम्मी आप मेरे लिए कुछ नहीं लाती, तो उसके लिए मैंने ये हेयरबैंड ले लिया, मुझे अच्छा लगा। और ये मात्र 10 रुपीज़ का है, इसलिए मैंने, इसलिए नहीं, मैं जब भी जाती हूँ छवि को हेयरबैंड जरूर लेती हूँ, क्योंकि इसे हेयरबैंड बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये नेकलेस मैंने मीशो से मंगाया था, ये देखिए कुछ इस तरीके का ये पैक होकर आया था फ्रेंड्स, इस बॉक्स में आया था ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, मीशो का ये कुछ इस तरीके से पैक होकर आया था इस बॉक्स में। और ये एक, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्म टाइप का, ये देखिए इसमें ये बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करके ये सामान देते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, कि जो सामान है वो डैमेज ना हो। और मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे ये मिल भी गया था। इतना खूबसूरत इस नेकलेस का देखिए डिज़ाइन, मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, वेलवेट की चूड़ी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने इस गोल्डन का मंगाया था, बीच बीच में बस कंट्रास्ट डालने के लिए मैंने गोल्डन की ले ली थी चूड़ी की, ये देखिए। और ये सारी शॉपिंग है फ्रेंड्स, मैंने ऑनलाइन नहीं किए, बट बस मैंने ये जो नेकलेस है ना, वो सिर्फ मैंने ऑनलाइन मंगाया, बाकी सब मैं मार्केट से ही ली हूँ। फ्रेंड्स मैं गई थी, तो मैंने वेलवेट की चूड़ी का ऑर्डर पहले दिया था, पर उन्हें नहीं मिला, तो जहाँ से मैं दिखाती हूँ कि मैं शॉपिंग मतलब मेकअप का सारा शॉपिंग करती हूँ, तो उन्हें नहीं मिला, तो वहाँ से मैं ये चूड़ी ले ली थी। बट इसके आगे ये मेटल वाली चूड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए। और मैं मार्केट गई थी मेन मार्केट, तो वहाँ पर सिर्फ ये 2 दर्जन ही बची हुई थी, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो सारा जो चूड़ी था वो मेरे साइज का ख़त्म हो गया था, तो मैं सिर्फ 2 दर्जन ही लेके चली आई थी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आज की जो मेरी करवा चौथ की शॉपिंग है यही है, और ज़्यादा मैंने कुछ ख़रीदा, ख़राब होने की वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। मैं बहुत कुछ सोची थी कि बहुत कुछ करूँगी और बहुत सारे सामान मंगाऊँगी, पर नहीं मंगा पाई, क्योंकि तबीयत, आपको पता ही है कि मेरा तबीयत आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मुझे फ़ीवर आते हुए, और अभी जाँच भी नहीं कराई हूँ, देखती हूँ अगर फ़ीवर नहीं ठीक होगा तो मैं जाँच भी करा लूँगी। और जो काढ़ा आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है, बहुत ही वो यूज़फुल काढ़ा है, जिसे भी टाइफाइड का शिकायत है वो इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकता है,
शायद वो काढ़ा पीने से ही थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक हो गया है और मैं आज आप लोग के सामने हूँ, आप लोग से बातें कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना तबीयत ख़राब था फिर भी मैंने ब्लॉगिंग बंद नहीं की, दो दिन या एक दिन पे कुछ ना कुछ मैं देती रहती थी आप लोग को। तो फ्रेंड्स, तो हस्बैंड मेरे मना करते हैं मेरी तबीयत को देख के कि छोड़ो हटाओ, तुम रात रात भर जग के वीडियो अपलोड करती हो, एडिट करती हो, शूट करती हो, दिन भर तुम्हारा इसी में निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, बट वो देखते हैं ना कि कोई व्यूज़ नहीं, इतना मेहनत तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं कर रही हूँ पर ना कोई व्यूज़ है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही वॉच टाइम बढ़ रहा है। तो वो भी सोचते हैं, शुरू शुरू में तो वो भी उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया था कि चलो ठीक है, कुछ होगा, अपना ये कर रही है घर में, चलो ठीक है। पर अब वो देखते हैं कि उसकी वजह से मेरी तबीयत भी जो है ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, क्योंकि लेट नाइट तक एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, सब करने की वजह से हो सकता है कि मुझे बार बार फीवर हो जा रहा है, तो इसलिए वो मुझे मना करते हैं। पर मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना कि जब मैं उनका कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं छोड़ना चाहती सिर्फ आप लोग की, इसलिए मैं ब्लॉगिंग बंद नहीं कर पाती हूँ आप लोग की वजह से और आप लोग के सपोर्ट की वजह से। तो प्लीज़ फ्रेंड, जो नए हैं मेरे चैनल पे वो भी मुझे सब्सक्राइब करिए और मुझे फुल सपोर्ट करिए ताकि मैं भी न्यू यूट्यूबर हूँ और आगे जाऊँ, कुछ कर पाऊँ। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ब्लॉग को यहीं मैं बंद करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।